यात्रा के बीच राहुल गांधी ने मचा दिया भयंकर हाहाकार, भाजपा में मचा भूचाल। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुस्लिमों को पूरी तरह से जोड़ने की तैयारी में है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम को भड़काकर दंगे करवाना चाहती है और इस मामले को लेकर सीएम शिवराज से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की एमपी में यात्रा में मध्य प्रदेश के मुस्लिमों को पूरी तरीके से कनेक्ट करने की तैयारी में है। प्रदीप दफ्तर में कांग्रेस अल्पसंख्यक की बैठक में अल्पसंख्यकों को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया गया। कांग्रेस नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि भाजपा मुसलमानों के धर्म पर हमला कर रही है, इसलिए जरूरत है कि अल्पसंख्यकों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरह जोड़ने की दरकार की है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एमपी की 7% आबादी मुस्लिमों को पूरी तरह से जोड़ना चाहती है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम ने कहा कि बीजेपी मुस्लिमों पर अटैक कर रही है और मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस ही है जो मुस्लिमों की पार्टी है, हम राहुल गांधी की यात्रा से मुस्लिमों को 7% जोड़ेंगे। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिमों को भड़काकर दंगा कराने की तैयारी में है, सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी ने कहा कि राहुल गांधी की पूरी यात्रा ही उन एरिया से निकल रही है जहां मुस्लिम रहते हैं, कांग्रेस मुस्लिमों को भड़का रही है। मुस्लिमों का उपयोग 70 सालों तक किया, कांग्रेस हिंदुओं और मुस्लिमों को भड़काकर एमपी में दंगा कराना चाहती है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।